क्या सहरी क्या बना रहे हैं आज? जा चुपचाप जा, पावला और दूध लेकर आ जा, मेरे दिमाग की हटा मत। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। कैसे सभी भाई लोग? अभी मेरा जस्ट स्ट्रीम बंद हुआ है, जो आप लोग बार बार चैट में बोलते हो मेरी लाइव स्ट्रीम पे। गेमिंग चैनल जिसका नाम है जोकर की हवेली में लाइव स्ट्रीम करता हूँ, और आप लोग बार बार कमेंट करते हो सैरी कब करोगे कब करोगे। भाई हमारे यहाँ पर 4 बजे चालू होती है। अम्मी सो रहे थे और मेरी वाइफ गई, उन्हें उठाया, शी इज़ अप नाउ। अब जो है अम्मी मुझे क्या बोलेंगे, दो ही चीज़ मुझे पता है क्या बोलेंगे। आओ मैं लेके चलता हूँ। माशाल्लाह सब तय कर रहे हैं, तहस महस। सलाम कर दो। सलाम, जाने मन कितने खूबसूरत लग रहे हो। लेट्स गो, मम्मी के पास चलते हैं, देखते हैं मम्मी क्या लाने बोलती है। क्या लगता है आपको? आओ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। उठ गए? हाँ उठ गए। चलो फिर, क्या सहरी क्या बना रहे हैं आज? जा चुपचाप जा, पावला और दूध लेकर आ जा, मेरे दिमाग की हटा। नो 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 अरे भाई, ये जो है हमारे घर पे रोज का है, मेरी अम्मी और मेरा, है ना। तो कहाँ जा रहे हैं आरजू अभी? हम जा रहे हैं पाव लेने। हम लोग सरेंडी ने भेज दे, हम लोग नीचे इतनी रात में जा रहे हैं। सो सुबह के 4 बज रहे और हम लोग पाव लेने जा रहे हैं, है ना। सुबह का वक्त आप देख सकते हो, सुबह मतलब 3 बज रहे हैं ऑलरेडी, ऊपर पूरा अंधेरा है। यस, बाइक पे जाएंगे ना? ठीक है। सो हमारी बुगाटी नहीं, क्या नाम है, बगमैन पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मास्क भाई देखो, घर से निकलना मास्क जरूर पहनना, ठीक है, बिना मास्क के मत निकलो। रात हो रही है, रात सेफ्टी के लिए पुलिस वाले बोल रहे हैं। ठीक है अर्जुन, तुमने मास्क पहन लिया है ना? पहन लिया मास्क। चलो और राइट। सो बाइक चला दिए, बाइक स्टार्ट कर दिया, अब हम जा रहे हैं अपना पाव लेने के लिए। मेरे साथ आरजू आई भी है। मैं भी आई हूँ उनके साथ। आरजू तुम नरम पाव खाओगे कड़क? नरम खाऊंगी मैं। नरम खाओगी? कड़क मेरे दांत में वो दर्द करता है, देखो मेरे दांत टूट गए इसलिए। और राइट, तो चलो पाव लेके आते हैं हम लोग। सब बंद है, दुकान उकान, हम लोग बेकरी खुली है, तो हम लोग बेकरी पे जा रहे हैं। देखो नमक पाव और कड़क पाव, नरम और कड़क लेना है। तो अभी हम लोग तभी हम लोग स्कूटी पे आए, अभी हम लोगों ने स्टीम की थी। तो मैंने अभी बोला था गाइस, तो किसी ने मेरे को 100 रुपये भेजे। तो अभी देखो संभाल के बैठा। हम लोगों ने पाव ले लिए हैं। पाव खोल के बताओ कौन कौन से पाव लिए आपने? ये हैं नरम पाव। हाँ ये नरम पाव है, ये कड़क पाव है। वो तो बहुत कड़क है, बहुत कड़क है। इसमें मस्टर्ड डाल के खाओगी? टूट जाएंगे। इसमें क्या डाल के खाओगी? मैं तो नरम पाव खाऊंगी, 2 नरम पाव, इससे मेरा पेट भर जाएगा। हाँ और मैं ये इतना ही खाती, थोड़ा ही खाती हूँ। हाँ और घर पे कौन कौन खाएगा? घर पे खाएंगी मेरी मम्मी, मेरी मम्मी तो नहीं खाएंगी। ऑलराइट, सो हम लोग ने पाव लेके आ गई, यही अपनी कहानी है कि हम लोग जो है सुबह सुबह मतलब पाव लेने जाते हैं। ये मेरी पार्टनर है, पाव पार्टनर है, बाइक पे जाती मेरे साथ, हम लोग पाव लेके आते हैं और यहाँ पर मम्मी को ला के दे देते हैं। मम्मी पूरा बनाते हैं, मेरी वाइफ, मम्मी, बहन और इसकी मम्मी सब मिल के नाश्ता बनाते हैं। दूध है, वरना हम लोग दूध के लिए भी जाते हैं अलग जगह। सो चाय जो है अभी बनेगी ताज़ी ताज़ी, 3 पैकेट। अच्छा दूध ऑलरेडी लेके आया, तो चलिए अपन ऊपर चलते हैं, देखते हैं मम्मी लोग कैसे बनाते हैं। लेट्स गो। चाय बना रहे हो आप? बन रही है चाय। ओफो ताजी ताजी चाय। अम्मी ऊपर सिवैयां क्या दिख रही मेरे को? सिवैयां नहीं है, झाग है। अच्छा झाग है। और इसमें क्या बनाए थे रात में? बिरयानी। ये भी खाई जाएगी क्या? मसूर चिकन बिरयानी, माशाल्लाह। मैं ये खाया ना मसूर चिकन बिरयानी, मेरे जो फेफड़े है और मेरे जो जबड़े हैं, हाँ? 3 बार लप 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 बोलने लगे। मतलब आपको इतनी पसंद आई? हाँ। और ये सब पीछे क्या है मम्मी, इतना सारा बर्तन?
बर्तन बेटा जब जहाँ किचन होते हैं वहाँ बर्तन होते ही होते हैं। अच्छा हाँ, किचन नहीं तो बर्तन। फुल नींद में लगे हो तुम, नींद लियो दबा के। हाँ हाँ ओके। तो अभी आप इसमें लगाएंगे मस्का, इसमें लगाएंगे मस्का। मैं अंदर बैठ जाता हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब। हाँ इसमें मस्का और इसमें चस्का। ओके चलो रे बच्चों, बच्चे भी आ गए, बच्चे भी आ गए। एक बच्चा ये है मेरा छोटू सू, छोटू छोटू छोटू, सबसे डेंजर यही है, बहुत जोर से मारता है। इसका नाम स्मोकी है ना। ये इनकी माँ है, ये अपनी कुकी है, और ये हमारे सोशडू। ये मेरा है, मेरा सोशडू है ये। बताओ कैसे प्यारा है सोशडू। सोशडू और ये हमारी सोशडी, ये धर्म पत्नी। अस्सलाम वालेकुम जाने मन। आप जरा गेमिंग चेयर पे बैठ के तो बताओ कैसे दिखते हो। हाँ तुम अगर अच्छा, अगर आप गेमर बनेंगे तो कैसे बात करोगे? अभी ये सैरी का व्लॉग है ना, जब गेमिंग वाला व्लॉग आएगा तो। ओहो ओके ओके, मैं बता रहा हूँ ये नैनो लीव को तुमने कहाँ रखा है, जो और थे? ये मैंने नहीं, आपने रखा है यहाँ। अच्छा इधर आ गए, तो कब ज्वाइन करेंगे अपन इन लोगों को? जब आप उसका डबल टिप लेके। ओके गाइज, ये जो है ना 1 2 3 वो और वहाँ पर आएंगे। इसका जो है डबल टेप जो है उसका निकल गया, तो हम लोग को डबल टेप चाहिए, ठीक है? और बाकी सेटअप टूर बाद में होगा भाई, अभी खाली यही छोटा है। चलो फ्राई, अच्छा पाव फ्राई कर रहे हैं, आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी आज पाव फ्राई करूंगा। खर 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 खर। चलो इसमें चाय डालेंगे आप। ओहो ऐसे मस्का भरते हैं? तो भाई लोग हमारे घर में सहरी जो होती है सुबह सुबह ऐसे होती है, कड़क पाव में हम लोग जो है मस्का डाल देते हैं, फिर उसको पैन पे रख के डोसे की तरह मिलाते हैं, और थोड़ा गिर भी जाता है और बन जाता है। लेकिन मम्मी यहाँ पर चाय उबाल रहे हैं मेरी। मम्मी अदरक वाली बनाओ ना। अदरक वाली है बेटे, और वो दालचीनी वगैरह डालते हैं? नहीं दालचीनी डाल के, हर कोई दालचीनी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता सबको। अच्छा घर में अच्छा। सबको अदरक का टेस्ट चाहिए रहता है। ओके ओके ओके, अदरक का। हाँ ठीक है, अभी हा? कोई बिरयानी नहीं पक रही है, इसमें मैं गरम मसाला डालूं। कांदा चाय में कांदा भी डालते हैं मैं ना। ये कांदा क्या मैं बोलूं, कोई अलग दुनिया बसी हुई होगी शायद, वहाँ चाय बनती होगी कांदे की। आरजू तुमको भी चाहिए ना? पाव जो है आप देख सकते हो ऐसे फ्राई होते हैं सुबह सुबह, कड़क पाव नरम पाव। मम्मी ने पूरा चाय बहुत अच्छे से बना लिया, माशाल्लाह गरम है रे। बाप 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 बस इतना नहीं लगाते। अच्छा हाँ। बस इतना हाँ, बस। मेरे को आता है मर्जी ना, मैं ना बहुत कुछ बना सकता हूँ पता है। ओके सैरी का वक्त निकले जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। ओके सॉरी सॉरी, जल्दी तो इसको मस्का लगाने का, और इसको ऐसा दो बार घुमा के ये करके और ऐसा, तो ये अलग अद्भुत अविष्कार काश कुछ होता है। तो मेरा तरीका अलग है बनाने का। आइए पाव पाव पाव, गरम पाव गरम पाव, लियो 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 लियो, गरम पाव गरम पाव गरम पाव, बन मस्का बन मस्का, ये भाई ले ले, बन मस्का बन मस्का। भाई अब हम लोग सहरी कर रहे हैं, नरम पाव कड़क पाव ठीक है, बन मस्का इसको डाल के चाय में, बस यही अपनी सहरी। कभी कभार अंडा रोटी भी होती है। सो आप लोग भी पता चल गया सहरी में मैं क्या खाता हूँ। अभी डाइट वाइट का मत पूछना, मैं डाइट नहीं कर रहा हूँ, खत्म हो गया। अभी जिम विम भी बंद है, सहरी कर लेते हैं, उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। कड़क पाव तुमको पसंद है क्या? ये नरम जिसको हमने किया है, कड़क क्रिस्पी, ये मुझे बहुत अच्छा है। ये मेरी मम्मी ऐसे फ्राई करती थी, तो अच्छा मैं भी वैसे ही फ्राई करती। ऑलराइट स्मोकी ने नोचा, किसने स्मोकी ने मारा? हाँ, कोई नहीं, सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग शेर, खाओ खाओ खाओ। अब दबा के खा लिया भाई, मेरा पेट तो भर गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दो कड़क पाव दो नरम पाव, वो भी क्रिस्पी खाया है, बटर लगा के इन्होंने बनाया है, बहुत ही प्यारा।
बनाते हैं, मम्मी बनाते हैं, कभी ये बना लेते हैं किचन में, दोनों मिलके लगे पड़े रहते हैं, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो आप लोग क्या अपने नाश्ते में, मतलब नाश्ता नहीं, ये मैं सहरी की बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने सहरी में क्या खाते हो कमेंट में बता दो सेक्शन में, जरा मैं कमेंट देखूंगा, मैं भी देखूंगा कि कुछ अच्छा है लगा तो मैं वो भी बना के अपन वो ट्राई करेंगे कि आप लोग क्या सहरी करते हैं, ठीक। अंडा अपन अंडा रोटी भी खाते थे, अंडा रोटी खाते हैं क्योंकि उससे पेट थोड़ा भरा हुआ रहता है और रोजा नहीं लगता है। अच्छा, ये इलायची का क्या फंडा है, मम्मी अपने को इलायची देते हर सहरी के बाद, ऐसा मम्मी बोलते हैं कि इलायची खाने से प्यास नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, फिर भी इलायची खाना चाहिए, थोड़ा फ्रेशनेस लगता है। आप भी मतलब जो भी सहरी मतलब आप देख रहे हो, इलायची आप भी खाया करो, ठीक है, प्यास नहीं लगती, पता नहीं मुझे तो लगती है भाई, बहुत लगती, दिन में रोज़ा भी लग जाता है कभी कभार, लेकिन जब नमाज पढ़ने में कुरान पाक पढ़ने में टाइम बीत जाता है भाई। प्रिंसी भी आ गई, प्रिंसी, प्रिंसी भी रोज़ा रखता है क्या, प्रिंसी 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 चुप चुप के पानी पी लेती है ये बिल्ली, रोजा रखती है बट कभी चुप चुप के पानी पी लेती है, जैसे बचपन में कोई कोई बच्चे, मैंने तो कभी नहीं पिया बट कोई कोई बच्चे लोग जैसे पानी पी लेते थे, तो वैसे प्रिंसी भी रोजा रखती है बट कभी कभी पानी पी लेती है। पप्पू अरे 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 चलो भाई ये काटती रहेगी, तो गुरदेव जी का हाथ खाना चाहते हैं, ये देखो मेरा बच्चा। चलो गाइस भाई लोग अस्सलाम वालेकुम भाई, ये चलता ही रहेगा, नमाज का टाइम हो गया, ठीक है मैं चलता हूँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ भाई कमेंट कर देना और कौन सा ब्लॉग से क्या देखना है, ये सहरी का था भाई, नमाज के साथ कुरान के साथ सदका नाम की एक चीज़ होती है, सदका निकालिए, ज़कात निकालिए, जो भी है, देखो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर बांटो, आपके घरों में भी अगर किसी को परेशानी है, अपने घरों में नीडी पीपल जो होते हैं, जो सबसे पहले आप घर में किसी को ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प करो, अगर सब ठीक है तो फिर जो नीडी पीपल है उनको आप दे सकते, उनको आप दे सकते, और ऐसे ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप निकाल दो, जितना भी आपका बनता है, मतलब जितना आप दे सकते हो उतना आप दे दो जी। चलिए अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 बाय।